सारा दिन जी हुजूरी करो, मर मर के काम करो। जी साहब, हाँ साहब, शाम तक हो जाएगा साहब। हाँ सर, अभी कर दूंगा सर। मेहनत हम करते हैं और नाम हमारे साहब का होता है। बिल्कुल नाइंसाफी है यार, पूरी जिंदगी मुझे पेचकस नहीं चलाना है। एकदम सही कहते हो, अभी जो भी कमाता हूँ उससे सिर्फ गुजारा होता है। अभी तो मैं कुंवारा हूँ, जब शादी होगी तो मैं क्या करूंगा। ईमानदारी का जमाना ही नहीं रह गया है, बेईमानों का राज चलता है और बेईमानों से बेईमानी से ही निपटना पड़ता है। उसका तो कुछ पता नहीं। थोड़ा पैसा कमाना चाहता हूं, फिर कलकत्ता चला जाऊंगा, जुगाड़ उगाड़ करके बॉम्बे, फिर बड़े शहरों की बात होती है। बॉम्बे जाना है तेरे को? जाऊंगा ना, मैं पहुंचा सकता हूं तुझे बॉम्बे। कैसे? पैसा कमाने का एक बहुत आसान सा तरीका है, थोड़ी सी मेहनत और बस फिर मुनाफा ही मुनाफा। बैंक वैंक तो नहीं लूटना चाहता तू? नहीं, उसमें बहुत खतरा है। मैं सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? रैंसम। खड़गपुर के मोटर गैराज में काम करने वाले रिचर्ड और शेखर ने उसी रात गैराज से एक जीप चुराई और किडनैपिंग के इरादे से पास ही के दूसरे शहर झारग्राम पहुंचे। ये आसपास के घरों वाले इसी मंदिर में पूजा करने आते हैं। धीरे बोल रिचर्ड, धीरे बोल। क्या खेले? तू बता रहा, तूने तो बुलाया था। चल छुपन छुपाई खेलते हैं। अच्छा ठीक है, पहले मैं छुपता हूँ, तू दस्तक गिन। ठीक है, वन टू। ये इन दोनों बच्चों पर नजर रखना, मैं मंदिर में से देख कर आता हूँ। सिक्स सेवन एट नाइन। पीछे से कैसे आ गया? वहां से कूद कर। लो चल, अब मेरी बारी। अच्छा, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। हाय, क्या कर रहे हो तुम? ये लो चॉकलेट खाओगे? मुझे पता है तुम्हारा दोस्त कहाँ है। अंकल कहाँ छुपा है? पहले ये चॉकलेट तो खा लो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अमित। अमित, पापा क्या करते हैं? सज्जू, मेरा सज्जू है ना दोस्त। हाँ। उसके पापा की दुकान में काम करते हैं। कौन संजू? सज्जू मेरा दोस्त, जो अभी छुपा है। अंकल कहाँ है वो? वो ना वहाँ वहाँ छुपा है, वहाँ जा ढूंढ लो उसको। तो दूसरे लड़के का बाप मालदार लगता है। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे भट्ट जगदीश। तुम्हारा लड़ला फिर से गायब है। कौन सी नई बात है? सारा सारा दिन कहाँ गायब रहते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। दूर करे ओम जय जगदीश हरे। तुम्हारे पापा की दुकान कहाँ है बेटे? बड़े बाजार में होने वाली कपड़ों की बड़ी दुकान है। कहाँ है तुम्हारे पापा, आए हैं? हाँ, वो रहे। जा संजू से पूछ कब लौटेगा। अमित मैं छिपता हूँ, अब तेरी बारी। और हाँ अंकल, आप मत बताइएगा कि मैं कहाँ छिपा हूँ। संजू चल घर चल, माँ बुला रही है। नहीं, मैं खेल रहा हूँ, बाद में आऊंगा। एक दो तीन। अमित बेटा बहुत देर हो गई, चलो घर चले। बाबा बाबा मुझे नहीं। बेटा बहुत देर हो गई, चलो। ओफो चलो संजू, मैं जा रहा हूँ, कल खेलेंगे। हाँ चलो, हो गया। बस हो गया, चलो।
गाड़ी के पास तैयार रहे, मैं भी आता हूँ। और मुझे कुछ चॉकलेट दे। दोस्त तुम्हें ढूंढ लेगा अगर इतना शोर मचाओगे तो। चॉकलेट खाओगे? चॉकलेट पसंद है तुम्हें? हाँ। मेरी गाड़ी में और बहुत सारे चॉकलेट पड़े हैं, मैंने दूसरे वाले अंकल को और चॉकलेट लाने के लिए भेजा है। तुम ऐसा क्या नहीं करते, तुम मेरी गाड़ी में आके छुप जाओ, फिर तो तुम्हारा दोस्त वहां पे तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाएगा। अच्छा आइडिया है, चलो। चलो संजू, गाड़ी में बहुत बड़ी चॉकलेट रखी है। अंकल तो हो रहे, वो तो चॉकलेट लेने गए थे। अब तक गायब है, ना तेरे भाई को खाने का होश है ना पढ़ने का। पापा के साथ आ जाएगा, वो भी तो मित के यहाँ पर गए हैं। संजू आपके साथ भी नहीं आया, आप तो ले आते उसे अपने साथ। मैं कहाँ से ले आता उसे? अमित के यहाँ से पापा, आप वहीं गए थे ना। हाँ लेकिन संजू तो वहाँ नहीं था। क्यों मजाक कर रहे हो? संजू संजू चल अंदर आजा, मैं कुछ नहीं कहूँगी, आजा। अरे भाई वो बाहर नहीं है। अमित के यहाँ नहीं है तो कहाँ गया होगा? नाक में दम कर रखा है इस लड़के ने, आने दो आज उसे। अच्छा मैं अमित से पता करता हूँ संजू कहाँ है। गुलशन और लक्ष्मी को पहले तो संजू के घर न लौटने पर चिंता नहीं हुई, क्योंकि वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए रुक जाता था। लेकिन जब संजू के किसी भी दोस्त से उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल नहीं हुई तो वो घबरा गए। नजदीकी रिश्तेदारों से भी पूछा गया पर संजू का अता पता किसी को न था। बिल्ला बहुत शोर मचा रहा था, सुना दिया उसे मैंने, अब नहीं फुदकेगा कभी। रिचर्ड, तूने खून की, तू खूनी है, पागल है, भेड़िया है तू, मुझे काम नहीं करना तेरे साथ। बंद कर और गाड़ी चला वरना तुझे भी यहीं पर ढेर कर दूंगा, समझा? रिचर्ड, इसमें हम दोनों साथ, अगर मुझे कुछ हुआ ना तो तेरा नाम भी बता दूंगा, समझा? गाड़ी चला, चल। माँ, माँ संजू आप और पापा से बहुत डरता है, जब वो आए तो उसे डांटना मत। पता नहीं खाया होगा, सुबह से कुछ खाया भी है या नहीं। हेलो, कौन बोल रहा है? नहीं माँ, अब तो कुछ पता नहीं चला, मेरा तो जी बैठा जा रहा है, इन देर से तो कभी भी नहीं आया। नहीं, नहीं। मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। क्या हुआ?
संजू मिला? रमेश से पता क्या था? अमित को भी कुछ नहीं मालूम? मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं उसे कुछ हो ना गया। कुछ नहीं होगा, संजू ने किसी का क्या बिगाड़ा है, हमने किसी का नुकसान नहीं पहुंचाया, वो जरूर वापस आएगा, जरूर आएगा। भाई साहब, मुझे तो लगता है कि हमें पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। अब लक्ष्मी, मैं आता हूं। उसी रात गुलशन गुप्ता अपने बेटे संजीव के लापता होने की रिपोर्ट कराने पुलिस स्टेशन पहुंचे। काफी रात हो जाने के कारण पुलिस ने अपनी कार्रवाई अगली सुबह तक रोक दी। गुलशन गुप्ता, लक्ष्मी और रानी ने वो रात जाग कर काटी। हर छोटी सी आहट उनके लिए संजू थी। सब बच्चों की तरह वो भी खेल रहा था। आपने सब जगह पता कर लिया? सब जगह, अपने हर रिश्तेदार, उसका हर दोस्त, बाजार, सिनेमा हॉल, सब जगह पर। साहब क्या है, देख नहीं रहे मैं किसी से बात कर रहा हूं? अमित क्या है? साहब मैं रिक्शा चलाता हूं, आधे घंटे पहले एक सवारी मेरी रिक्शा में ये पैकेट छोड़कर गायब हो गई। क्या है इसमें? पता नहीं साहब, मैंने खोलकर नहीं देखा। खोलो इसे। संजू के कपड़े हैं। मिस्टर गुप्ता, इसमें आपका नाम लिखा हुआ है। कम विथ 3 lakh rupees टू शिव टेम्पल टुमारो एट 6 PM। डू नॉट इन्फॉर्म पुलिस। कम अलोन, इफ नॉट आई किल। इफ नो मनी टेक लोन। कहाँ देखा था तुमने उसे? मुझे ले चलो। मिस्टर गुप्ता, मिस्टर गुप्ता प्लीज, वो मेरा बच्चा है, उसके पास मैं, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं रही? आप जल्दी चलिए मेरे साथ। मिस्टर गुप्ता प्लीज, प्लीज मिस्टर गुप्ता, वो आदमी बहुत खतरनाक हो सकता है मिस्टर गुप्ता। अगर उसने आपके साथ पुलिस वालों को देख लिया तो आपके बच्चे को नुकसान भी पहुंचा सकता है। हमें बहुत होशियारी से काम लेना होगा। आज से आपके साथ कोई भी पुलिस वाला सिर्फ प्लेन क्लॉथ में रहेगा, समझ गए ना? चलिए आपके घर चलते हैं। आइए प्लीज, आइए। दो आदमी घर के बाहर सादे कपड़ों में रहेंगे ताकि किसी को भी शक ना हो, और हर 2 घंटे के बाद उनकी ड्यूटी चेंज होगी सर। ठीक है, और तुम घर के अंदर रहोगे, किसी में भी शक हो तो उसे उसी वक्त पकड़ लो। यस सर। ओके। क्या हो रहा है, कौन है ये लोग, यहाँ क्या कर रहे हैं? लक्ष्मी, हमारे संजू को किसी ने अगवा कर लिया, उसने ये कपड़े और ये चिट्ठी भेजी। तो दे दो ना पैसे, ऐसा करो मेरे सारे गहने बेच दो। पुलिस क्यों, अगर उसे पता चल गया तो संजू को मार भी सकता है। देखिए आप जाइए, हमें नहीं चाहिए आपकी मदद। हम ठीक है, हम किसी तरह पैसे देकर संजू को छुड़ा लेंगे, आप जाइए। लक्ष्मी जरा सोचो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो पैसे लेकर संजू को लौटा देगा। लेकिन अगर उसे पता चल गया कि ये यहाँ पर है तो संजू को मार भी सकता है। आप जाइए, आप कहिए ना इनको जाने के लिए। मिसेस गुप्ता, हम ऐसी कार्यवाही पहले भी कर चुके हैं, हमारा विश्वास कीजिए आप।
अगर संजू को कुछ हो गया तो आपके विश्वास का मैं क्या करूंगी? आप क्यों नहीं जाती ऐसे? लक्ष्मी जरा सोचो, पुलिस की मदद के बिना हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे और ये लोग वर्दी में नहीं रहेंगे हा? और इसे कभी पता नहीं चल पाएगा कि ये लोग पुलिस वाले हा? पैकेट गुम हो जाने की वजह से रिचर्ड और शेखर को लगा कि उनका खत गुलशन तक नहीं पहुंचा होगा, इसलिए जब गुलशन 50,000 रुपए का इंतजाम कर शिव मंदिर पहुंचा तो उसे वहां कोई नहीं मिला। अगले 4 दिन तक उन्हें संजू की कोई खबर नहीं मिली और वो 4 दिन संजू के परिवार के लिए बहुत कठिन थे। न उन्हें खाने का होश था, न सोने की परवाह। इस दौरान रिचर्ड और शेखर इसी आस में थे कि किसी तरह वो संजू के पिता से बड़ी रकम ऐंठ सके, इसलिए वो टेलीग्राम करने मिदनापुर गए। क्या है? तुम टेलीग्राम करो, मैं इसे ठीक करा के आता हूं। एक टेलीग्राम करना है। टेलीग्राम आया। लास्ट चांस फॉर ट्रांजैक्शन, इफ यू वांट योर आइटम अवेट इंस्ट्रक्शन। उस टेलीग्राम में मिदनापुर की मोहर थी। इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल को मिदनापुर पोस्ट ऑफिस जाने को कहा। पुलिस कांस्टेबल को वहां से रिचर्ड के हाथ का लिखा ओरिजिनल टेलीग्राम फॉर्म मिल गया, लेकिन रिचर्ड का हुलिया किसी को याद नहीं था। अगले 9 दिनों तक गुलशन और उसके परिवार वालों को संजू की कोई खबर नहीं मिली। हेलो, गुलशन गुप्ता का फोन दो। जी मैं बोल रहा हूँ। अपने बच्चे की कीमत देने को तैयार हो? हाँ, तैयार हूँ। क्या चाहिए तो? भाई साहब आपको 3 लाख। 3 लाख? इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है भाई साहब। तो ठीक है फिर, अपने बच्चे को इसके बाद। नहीं 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 नहीं, संजू को कुछ मत करना। देखिए भाई साहब, मेरा यकीन कीजिए, मेरे घर पर पैसे इतना पैसा नहीं है। कितने हैं? यही कोई 50,000। साले बनिए, अपने बच्चे के लिए भी भाव करता है? कम से कम 1 लाख लेकर आना। हाँ, कब और कहाँ पे? मैं बाद में बताऊंगा। देखिए भाई साहब, अगर आप अभी बता देते तो। 4 दिन बाद मैं फोन करूंगा, इंतजार करना। जी ठीक है, लेकिन हेलो हेलो हेलो। हाँ मैं प्रबल बोल रहा हूँ। अब पता करो, अभी भी जो 159 पे फोन आया वो कहाँ से आया? चल गया है जहां से फोन आया, खड़गपुर में। अगर उसने दोबारा वहां से फोन किया तो जरूर पकड़ा जाएगा।
बंद कर अपना ये शोर, जैसा तू वैसा तेरा ये रेडियो कबाड़। क्या कहा तूने? क्या कहा? फिर से क्या? कबाड़, कचरा, निकम्मा। ये देख, तू मुझसे तमीज से बात क्या कर, नहीं तो क्या कर लेगा तू? हैं? क्या कर लेगा? 15 दिन से पाल रहा हूं तुझे, तू जैसा निकम्मा मेरे ही हाथ लगना था। हाँ, तू तो बहुत काम का है ना, बच्चे उठाएंगे, पैसे कमाएंगे, खूब कमाई हो रही आज तक, कल वो पैसे जरूर ले आएगा। 30 मार्च 1981 को पुलिस ने खड़गपुर के उस पब्लिक कॉल बूथ के आसपास अपना जाल फैला दिया जहां से उन्हें उम्मीद थी कि अपहरणकर्ता फोन करेंगे। इंस्पेक्टर उज्जल अपने कुछ साथियों के साथ वहां पर सादे कपड़ों में मौजूद थे। देखिए, जब आदमी यहां आए और झाड़ग्राम के लिए 159 पर कॉल बुक करे तो आप हमें इशारा करेंगे। कैसे? आप गिलास से बाहर पानी फेंकेंगे, हम लोग सामने सड़क पर खड़े होंगे, समझ गए ना? साहब, वो आदमी ज्यादा खतरनाक है। घबराइए मत, हम हैं आपके साथ। सुनो, हम दोनों सड़क पर उस पार खड़े होंगे और तुम दुकान के करीब वहां पर इंतजार करोगे। हो सकता है कि इंतजार काफी देर तक करना पड़े, लेकिन वो आदमी हाथ से नहीं निकलना चाहिए, समझ गए ना? ओके, कम आ गए। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं, सोचा एक पान खा लूं। पान? टाइम क्या हुआ? टाइम कुछ 12:15 बज रहे होंगे। देखो, फोन लगाने में आधा घंटा तो लगेगा ही, जल्दी करना। अगर आज ही पैसे मिल जाए ना तो मैं कलकत्ता भाग जाऊंगा। एक सादा जोड़ा पान लगाना। पान लगवा, मैं कॉल बुक करा के आता हूं। जल्दी करना। हाँ ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूं। एक कॉल बुक करना है। नंबर बोलिए। झाड़ग्राम 159। क्या बात है, क्या देख रहे हैं? कभी आदमी नहीं देखा है क्या? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। आप नंबर मिलाइए, मैं जरा हाथ धो लेता हूँ। उसी रात शेखर को भी खड़गपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। इंस्पेक्टर उज्जल शेखर और रिचर्ड को झाड़ग्राम ले आए। हेलो, कितने लोग हैं? और संजू? अच्छा, क्या हुआ? संजू मिल गया? क्या कहा उन्होंने? अरे किसका फोन था, बताते क्यों नहीं? समझ नहीं आ रहा। मतलब वो कहते हैं किडनैपर्स पकड़े गए, लेकिन लेकिन संजू वहां नहीं। मैं थाने जा रहा हूं। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, चलो। हाँ, लेकिन रानी, दीनानाथ जी के वहां छोड़ के जाएंगे ना? हाँ, जो भी करना है जल्दी करो। रानी, रानी, अगर मुझे तेरी जान भी लेनी पड़े तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। अच्छी तरह से जान लूंगा कि बच्चा कहाँ है। बोल, बच्चा कहाँ है? बोल। वो हम नहीं थे, हमने कुछ नहीं किया, हम किसी बच्चे को नहीं जानते। तुम मिस्टर कुर्ता के घर फोन क्यों किया था? मुझे रिश्तेदार लगते क्या? बोल, बच्चा कहाँ है? बोल। चाहे जितना भी मार लो, चाहे जान से मार डालो,
कुछ पता नहीं चलेगा, फिर ढूंढते रहना उस बच्चे को। मैंने जब तेरे को ढूंढ लिया है तो उस बच्चे को भी ढूंढ लूंगा। सर, मिस्टर गुप्ता आए। मिस्टर गुप्ता, ठीक है मैं आता हूं। संजू कहाँ है? यही है ना, बुलाइए उसे। बहुत ही ठीक है दोनों, अभी तक कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बताया, ये भी नहीं बताया कि आपका बेटा कहाँ है, लेकिन उगल देंगे, सब कुछ बता देंगे। लेकिन अगर संजू उनके किसी और साथी के पास हुआ तो? मैं तो कब से कह रही हूं ये पुलिस के बीच में पड़ने से सब गड़बड़ हो जाएगी। देखिए, आप मुझे उनसे मिले दीजिए, मैं उनसे पूछती हूँ, हम दोनों पैसे देने को भी तैयार है, वो जरूर मुझे बता देंगे। देखिए मिसेस गुप्ता, ये मेरी जिंदगी का पहला किडनैपिंग का केस नहीं है, ऐसे अपराधियों से मुझे अच्छी तरीके से निपटना आता है। तो फिर अभी तक आप संजू का पता क्यों नहीं लगा पाए? पता नहीं कब ये सब खत्म होगा, कब हमें संजू मिलेगा। सब कुछ बताने को तैयार है, मैं पुलिस से संपर्क करूं। तो ठीक है, जैसे तेरा दोस्त बोलता है वही बात मान लेते हैं। रिचर्ड कहता है कि सारा तेरा प्लान था, तेरे को मालूम है कि बच्चा कहाँ है। वो कहता है कि वो तो सिर्फ एक प्यादा है, सारी चालें तू चल रहा है। क्या सचमुच ऐसा बोला? तेरे को उसका स्टेटमेंट दिखाऊं? झूठ बोल रहा, झूठ बोल रहा। अगर तुम सब कुछ सच सच नहीं बताओगे तो उसे छोड़ देंगे और तुम सारी उम्र यही सड़ते रहोगे। मैं बताओ, ये सब रिचर्ड का रचा हुआ खेल है। शेखर ने इंस्पेक्टर उज्जवल को किडनैपिंग की प्लानिंग से लेकर झाड़ग्राम पहुंचकर संजू के अपहरण और फिर उसके कत्ल के बारे में सब कुछ बता दिया। मार डाला? तुम लोगों ने उस बच्चे को मार डाला? क्यों? क्यों मार डाला? शेखर इंस्पेक्टर उज्जवल को उस जगह ले गया जहां उन्होंने लाश को दफनाया था, लेकिन जमीन गीली होने की वजह से कुछ ही दिनों में लाश इतनी बुरी तरह सड़ चुकी थी कि उसको पहचान पाना लगभग नामुमकिन था। आप बैठिए। नहीं, मुझे संजू से मिलना है पहले। आप बैठिए तो सही, मैं सब कुछ बताता हूँ आपको। आप भी बैठिए मिस्टर गुप्ता प्लीज। क्या क्या हुआ, क्या आप जल्दी बता दीजिए। क्या बात है, आप चुप क्यों है? मिस्टर गुप्ता, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत ही बुरी खबर है, उन लोगों ने संजू को जिंदा नहीं छोड़ा। वो लोग उसे मार डालेंगे, मार डाला ना, मार डाला ना उसे, मार डाला ना। पैसे तो चाहिए था, दे देते, दे देते, मेरे कहने दे देते, सब कुछ दे देते। पुलिस ने मार डाला ना उसे, तुमने मार डाला, तुमने मार डाला मेरे बेटे को, तुमने, तुमने मार डाला मेरे बेटे को। लाश बहुत ही बुरी हालत में मिस्टर गुप्ता, अगर आप उसे देखकर पहचान लेते तो।
मरे 3 हफ्ते से ऊपर हो चुके हैं और अभी तक हम उसका अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। मिस्टर गुप्ता, हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए ये साबित करने के लिए कि वो लाश संजू की है। क्या जरूरत है, हमें बस संजू दे दीजिए और हमें जाने दीजिए यहाँ से। मिसेस गुप्ता, क्या आप ये नहीं चाहती कि जिन लोगों ने आपके बच्चे का यह हाल किया है उन्हें सजा मिले? कितना इंतजार करना होगा? देखिए, ऐसे मामलों में हम शरीर का एक हिस्सा परिवार वालों को दे सकते हैं। नहीं चाहिए मुझे टुकड़े, पूरा। श्री अग्निदेवाय भूमंडल आवानम चिता मध्ये दसो गात निर्जीव अग्नये स्वाहा। अग्नि प्रकट कीजिए। कुलशन और लक्ष्मी के जोर डालने पर इंस्पेक्टर उज्जल ने उन्हें उस लाश की पेल्विक बोन दे दी। संजू के परिवार वालों ने उस हिस्से से अंतिम संस्कार कर दिया। वो तुझे बेवकूफ बना रहा है, वो लाश संजू की हो ही नहीं सकती। ये सब सिर्फ मुझे फंसाने के लिए बोल रहा है। लाश संजू की है तो झूठ बोल रहा है। तो साबित करो ना। लाश इतनी बुरी हालत में थी कि उसको पहचानना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। बच्चा कहाँ है ये सिर्फ मैं ही जानता हूं। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें ये कभी पता नहीं चल सकेगा कि वो बच्चा कहाँ है। कुछ दिनों बाद मामला सेशंस कोर्ट में पहुंचा। अदालत में रिचर्ड और शेखर ने निर्दोष होने का दावा किया, लेकिन इंस्पेक्टर उज्जल ने उनके खिलाफ ठोस सबूत जुटा लिए थे। रिचर्ड को गिरफ्तार करने के बाद सबसे पहले मैंने उसकी लिखाई का नमूना लिया। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट भी यही बताती है कि रिचर्ड की लिखाई बंडल में मिली चिट्ठी की लिखाई और टेलीग्राम की लिखाई से मेल खाती है। योर ऑनर, इसमें कोई शक नहीं कि संजीव का अपहरण और उसकी हत्या इन दोनों ने की है। मेरे बेटे का कत्ल करने के बाद भी इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर भी पैसा मांगते रहे। वो दफनाई गई लाश मेरे बेटे की ही है योर ऑनर। इन दरिंदों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल नहीं जज साहब, ये खून मैंने नहीं किया है। अपनी खाल बचाने के लिए ये शेखर झूठ बोल रहा है। ये सब इस इंस्पेक्टर की साजिश है। जज साहब, ना वो बच्चा मरा है और ना ही मैंने उसे मारा है। ये लाश उसकी हो ही नहीं सकती। ये शेखर झूठ बोल रहा है जज साहब। जज साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे कैसे पता होता कि वो बच्चे की लाश वहीं उसी जगह दबी हुई है। जज साहब, इस रिचर्ड ने मेरे सामने बच्चे को मार डाला और हम दोनों ने उस बच्चे को दफना दी। चूंकि गुलशन और लक्ष्मी लाश को पहचान नहीं पाए थे और रिचर्ड के बार बार ये कहने से कि वो लाश संजू की नहीं है, ये केस काफी खिंच गया। अब सब कुछ उस लाश के रासायनिक परीक्षण पर निर्भर था, लेकिन पेल्विक बोन के बिना ये काम मुश्किल था। इस परीक्षण में 1 महीना लग गया। इस दौरान लक्ष्मी की उम्मीद फिर जागने लगी कि शायद संजू जिंदा है, लेकिन अब केस जीतने का मतलब ये मानना था कि संजू मर चुका है। मैं आपको बता रही हूं, कोर्ट में जाने से कुछ नहीं होगा। संजू जिंदा है, वो रिचर्ड कह तो रहा है कि उसने संजू को कहीं छिपा रखा है। देखिए,
आप एक बार उससे पैसे की बात करके देखिए ना, शायद वो। संजू अब जिंदा नहीं है लक्ष्मी, इस सच्चाई को मान लो। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि हमें अदालत में यह साबित करना है कि वो लाश संजू की ही थी, ताकि उन हत्यारों को सजा मिल सके, कड़ी से कड़ी सजा। बल्कि बल्कि मैं तो कहता हूं कि तुम भी अदालत में। कभी नहीं मानूंगी, कभी नहीं मानूंगी। लेबोरेटरी की रिपोर्ट भी यही बताती है कि जो शव मिला उसके चेहरे और सिर का ढांचा संजीव की तस्वीर से मिलता था। यही नहीं, शव के बाल और डेंटल स्ट्रक्चर के एग्जामिनेशन से बात साफ है कि वो संजू का ही शव था। योर ऑनर, ये अदालत। अदालत ने रिचर्ड को फांसी की सजा सुनाई और शेखर को उम्र कैद की। इस फैसले के खिलाफ दोनों ने हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन दोनों अदालतों ने सेशंस कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। हम केस जीत गए लक्ष्मी। रिचर्ड ने कम से कम 6 बार राष्ट्रपति से रहम की अपील की, लेकिन सभी नामंजूर हो गईं। उसे 1986 में फांसी हो गई। शेखर आज भी पश्चिम बंगाल के एक जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। उसकी सजा सन 2002 में पूरी होगी। रानी की शादी हो चुकी है और वो अपने परिवार के साथ कलकत्ता में रहती है। गुलशन और लक्ष्मी आज भी झाड़ग्राम में उसी घर में रहते हैं। वो आज तक अपने बेटे की दर्दनाक मौत से नहीं उबर पाए हैं।